जो डेबिट कार्ड है या जो क्रेडिट कार्ड होता है सर, इसके अंदर होता क्या है, बेसिकली मैं इसको तोड़ा हूँ, आपको पता लग गया होगा, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इसको मैंने तोड़ा, तब इसमें देखते हैं कि इसमें होता क्या क्या है। तो यार बेसिकली हाँ, ये जैसे इसमें आप देखते होगे कि सिम कार्ड जैसा रहता है, जो इसको चिप सेंसर वगैरह कुछ भी आप कह सकते हो, तो ये रहता है। तो इसमें आप देख सकते हो इसमें क्या रहता है बेसिकली, अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ, क्लियर करके दिखाऊँ, तो यार इसमें वो एक आपका डिटेल वगैरह या आपके सारे आपके अकाउंट्स के से रिलेटेड जितने भी डिटेल रहते हैं वो सारे इसमें रहते हैं बेसिकली, कह सकते हो। ये एक चिप है, देखो इसके अंदर यार कुछ वायर जैसा और कुछ चिप सेंसर जैसा कुछ ऐसा मतलब फील हो रहा है, दिख रहा है। तब इसको मैं तोड़ के देखता हूँ कि इसमें है क्या। तो इसके लिए यार जब इसको तोड़ोगे तो कुछ कुछ भी आपको देखने को इसमें नहीं मिलेगा। तो यार एक बस वायर जैसा है इसमें और कुछ भी नहीं है। तो देखते हैं यार, तो यार कुछ भी हाथ नहीं लगा इसमें, ख़त्म। और भी देखते हैं इसमें, तो अब मैंने इसको तोड़ा क्यों था, तो यार अब तक आपको पता ही लग गया होगा कि भाई इसने क्या करतूत किया है और इसके वजह से मैं कितना दुखी हुआ हूँ। तो अब इसके पीछे के देखते हैं राज। तो भाई साहब इन सब के पीछे तो कुछ भी आपको देखने उखने को नहीं मिला, और ये है तो इसके पीछे आप देख सकते हो बस यही दिया हुआ, तो जिसमें अकाउंट होल्डर नेम वगैरह यही सब नौटंकी लिखा रहता है, ठीक। अब इसमें क्या है जो इसका मेन चीज़ रहता है भाई, जिससे ये स्कैन करता है, जैसे ये जो आपको जो दिख रहा हो ना लेबल, ये जो ब्लैक कलर का लैब, इसी के वजह से मतलब ये एनालाइज करता है, और हमारे जो भी बैंक अकाउंट्स डिटेल या जो भी चीज़ें रहती हैं वो यहीं से पता लगती हैं। तो यार ये तो एक प्लास्टिक के जैसा था, बस सर इसी से पता लग जाता, सोचो यार इसमें इतना ही टेक्नोलॉजी छुपी हुई थी जो हमने तोड़ दिया, खाली एक प्लास्टिक जैसा था और कुछ भी नहीं था इसमें, सोचो बस इसमें कुछ भी नहीं था। जैसे मैंने इसको उखाड़ा तो इसमें ये बस मिला एक पेपर जैसा था, इसको मैंने तोड़ा तो एकदम बस एक, देखो यार कितना आसानी से टूट जा रहा है, और इसी के अंदर हमारे सारे डिटेल्स वगैरह रहते हैं, इसी को हमारा जो मशीन रहता है इसी को रीड कर पाता है, वाह। और इसके सामने की तरफ तो, और बेसिकली सारे जितने भी होते हैं पेन कार्ड डेबिट कार्ड ये तो इसका था ना, उस साथ के साथ सेम होता है। तो वही क्या है ये तो सबसे लो क्वालिटी का निकला, सब में कुछ होता भी है प्लास और थोड़ी स्ट्रांग रहता है, लेकिन इसमें तो एकदम खाली एकदम प्लास्टिक का है, देखो पेपर की तरह फट जा रहा है, और इसी में सब कुछ था। तो ये है इसका पूरा सत्यानाश, इसके पीछे की क्या रीज़न है, मैंने इसको क्यों किया भाई, अगर आप लोग को नहीं पता होगा तो मुझे बरूक कमेंट में बताना। हाँ बस इतना मैं कह दे रहा हूँ कि धनी वन फ्रीडम कार्ड खास करके इसको कभी भी भूल के लेना भी मत, अगर आपके पास आ भी गया है, क्योंकि मुझे तो ज़बरदस्ती आया था, अगर आ भी गया है तो भाई इसको एक्टिवेट मत करना, क्योंकि एक्टिवेट एक बार कर दिए तो भाई पछताना पड़ जाएगा, फिर कहना मत कि नहीं बताया था तुम्हारा भाई। बस यार ख़त्म कहानी।